रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए नॉलेजेबल और यूजफुल जानकारी लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमें उत्साहवर्धन के लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारा उत्साहवर्धन करता है और इतनी ठंड में काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो इसमें आपको मैं दो अपडेट देने वाला हूँ। पहली अपडेट है रोहतांग पास ओपन, बट आपने थंबनेल में देख लिया होगा। दूसरा है आगामी स्नोफॉल के संभावना बताने वाला हूँ, कन्फर्म नहीं बताऊँगा। यदि कन्फर्म के चक्कर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, मौसम बहुत बदल रहा है। तो सबसे पहले इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है, जैसे कि मंगलवार को कल ही स्नोफॉल हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहतांग पास की। रोहतांग पास खुला, मंगलवार को खोल दिया, यानी कल खुला था। और यह है बीआरओ की बहुत तकड़ी मेहनत, यानी कि 7 और 8 नवंबर को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। उसका वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, आपने बहुत प्यार दिया, 52,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और अनगिनत कमेंट है, और उनका मैंने सभी का जवाब दिया है और इस वीडियो में भी देने का प्रयास करूँगा। और बता दें कि रोहतांग पास बीआरओ की जो सीमा सड़क संगठन के जवानों की दिन और रात इतनी हार्ड मास गला देने वाली ठंड के अंदर लोगों ने, बीआरओ के जवानों ने काम किया है, और प्रशासन ने, मनाली प्रशासन है, लाहौल स्पीति प्रशासन है। तो रोहतांग पास मंगलवार को सुबह खोल दिया गया था और शाम होते होते स्नोफॉल की वजह से वापस उसको बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी बुरी खबर मान सकते हो। ये स्थानीय लोगों के लिए खोला गया था, लोकल्स के लिए खोला गया था, लेकिन जैसे ही यदि लोकल्स के काम हो जाते तो शायद पर्यटकों के लिए भी खुल सकता था, ये उम्मीद की किरण थी। लेकिन जो कल स्नोफॉल बर्फीला तूफान आया, उसकी वजह से जो लाहौल के लोग लाहौल की तरफ रह गए और मनाली की तरफ मनाली, तो दोनों जो लोग अपने अपने घर जाना चाहते थे वो वंचित रह गए। और जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट प्राप्त होगी रोहतांग पास के में, तो मैं आपको बताऊंगा। और इस कड़ी ठंड में जो बीआरओ की टीम है, बीआरओ के जवान है, उनके लिए आप, उनका उत्साहवर्धन के लिए आप जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। रेनबो सेवन चैनल दिल से उनको सैल्यूट करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मनाली ट्रिप पर मैंने एक संपूर्ण मनाली यात्रा का वीडियो बनाया, उसमें संपूर्ण स्थान कवर किए गए, होटल्स, टैक्सी और जो जितनी भी फेयर लगते हैं उनको आई बटन पर लगा रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिए। प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है जो टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए भी उपयोगी होगी। तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। यह है गुलाबा की, 7 और 8 का जो स्नोफॉल हुआ था, उसकी जो स्नो इतनी बची हुई है, इतनी आप एंजॉय कर सकते हैं, स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये गुलाबा की ताज़ा तरीन वीडियो है और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ऊपर की साइड में थोड़ी और भी ज़्यादा है और रोड साइड भी आपको इतनी गुलाबा के अंदर बर्फ़ मिल जाएगी। सोलांग वैली के अंदर बर्फ नीचे नहीं है, आप रोपवे से जाएंगे या केबल कार से जाएंगे तो ऊपर साइड में मिल जाएगी, नीचे नहीं मिलेगी। तो ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं गुलाबा की, तो यह आपके लिए काम की हो सकती है, इसलिए मैंने बताया था। और मंगलवार को एक स्नोफॉल हुआ था ऊपर, तो उसके संबंध में प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि बारालाचा, कुंजम दरा और रोहतांग पास के आसपास जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ ठंड बढ़ गई है। और प्रशासन ने मौसम का मिजाज देखते हुए पर्यटकों और लोकल से रोहतांग पास, जलोड़ी पास और अन्य संवेदनशील स्थानों पर न जाने की सलाह जारी की है। अब आपको बताते हैं कि स्नोफॉल 14 को रेनफॉल होने वाला है, 15 और 16 को भी रेनफॉल और स्नोफॉल मिक्स दिखा रहा है। तो जैसे मौसम स्थिर होता है, ठंड बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। और कैसा मिलेगा, जैसा कि 7 नवंबर को मिला था वैसा का ही वैसा मिलने वाला है, लेकिन टेम्परेचर यदि हाई हो गया तो आपको स्नोफॉल और रेनफॉल मिक्स मिलेगा। और हो सकता है कि रेनफॉल
भी मिल जाए। और ऊपरी भागों में तो निश्चित रूप से रोहतांग है, बारालाचा है, जलोड़ी पास है, और जो ऊंचे स्थान है तो वहाँ तो आपको स्नोफॉल मिलेगा, लेकिन वो आप वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए उपयोगी नहीं है। तो यदि आप स्नोफॉल देखने आए हो और तो 15 और 16 को मिलने की संभावना है, और इसमें कोई बदलाव होगा या अपडेट आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए।